भगवतिया थने भूख लाग रही? हाँ मने भूख लाग रही। चल देखा बाजार में खावा के लिए कई मले। भगवतिया देख वटे मूंगफलिया है, मने घनी हाउ लागे। कई बात नहीं भगवत, अपा मूंगफलिया नहीं चुरा रिया, बस चाक रिया। भाग भगवतिया भाग। अठे आओ छोटा चोरा। छोरा कई हो था हाउ तो हो। अरे आपा कटे हाँ। था किस्मत वाला हो जो माके सत्संग में आया। आज आपा बात करांगा कि प्रभु यीशु चाहे कि आपा चोरी न कर। मु होचू कि थाको विचार चोरी करवा के बारे में घणो हाउ है। मु जानू कि चोरिया करनो हाउ बात नहीं है, पर मु कदी कदी अपने आप में काबू नहीं कर सकू। था के पा वह शक्ति नहीं है जो अपने आप को वश में कर सको। थाने ऐसी बड़ी शक्ति की जरूरत है जो थाने बुरा कामों बचा सके। मु घणो ताकत वालो हूँ, मने की जरूरत नहीं है। अरे लागी रे हाउ है, मने थोड़ी मदद री जरूरत है। एक ही मनक है जो अपना बुरा काम पे काबू कर सके और पुनर्जन्म को तोड़वा की ताकत रखे। अनि नारियल में ताकत रो राज छुपे लोगो है। नारियल? हाँ छोरा, मु चाहू की थाने हाउ मनक के बारे में बताऊ। प्रभु यीशु अनि दुनिया मा गणी हव रितु पैदाविया। एक ताकत वाला तारा का उजाला में तीन राजा वाने पूरब दिशा मु देखो आया। जू जू वे मोटा व्या नरे पंडित वना का आत्मिक ज्ञानो चकित वे गया। वो प्रभु यीशु घना ताकत वाला वेगा। हाँ छोरा, वो भगवान जना दुनिया वणई वणा को छोरो यीशु है। प्रकृति भी वहां को केड़ो माने। एक दिन वे अपना चेला के लारे नाव में होता। वणी वक्त जोरों आंधी आई, जनो वहां का चेला दरब गया। वणा प्रभु यीशु को नींद उठाया। प्रभु यीशु ने आंधी और लेरा रोकवा को हुक्म दी दो और वणी गड़ी आंधी लेरा रुक गई। एक दिन प्रभु यीशु को दोस्त लाजर मर गयो हो। चढ़ी वक्त प्रभु यीशु लाजर री कबर पे गया। जदी लाजर ने मरिया लगा चार दिन वे। जदी प्रभु यीशु नाम लेन बुलायो वणी वक्त लाजर पासो जिंदो वे गयो और पूरो हो वे। एक दिन प्रभु यीशु 5,000 लोगा ने हिकार्या और वणा लोगा ने घणी भूख लगी। वटे एक छोरा के नके 5 रोटी 2 मछलियां ही। प्रभु यीशु ने 5 रोटियां 2 मछलियां लेन आशीष दीदी चमत्कार हूँ सबने खवाई। खाया बाद भी नरी खानो बच गयो। प्रभु यीशु अपनी जरूरतों को ध्यान रखे और अपनों हेलो प्यार करे। पण भगवत्यो जानो छावे कि अणि सबको नारेलो कई लेनो देनो। प्रभु यीशु अनि दुनिया में आया कि आपना हूँ लाड़ करे और आपनी मदद करे, पर थोड़ा मनक वणाऊ नफरत करे और वणाए मारवा चाहता। प्रभु यीशु दुश्मना के हाथे पकड़वाया और वाने मौत की सजा सुनाई। प्रभु यीशु को मंगरा पे ले गया, वहाँ के हाथा और पेरा में खिला ठोकिया और वाने सुली पे लटकाया। जदि प्रभु यीशु अपनी आत्मा ने वणा के पिता के हाथ में सौंपन मर गया। एक मिनट हुनो, प्रभु यीशु अतरा ताकत वाला हाथों कस्यान मर गया, वे सूली पर नीसा क्यों नहीं उतरिया? हाउ पूछो, वह अकाल मौत नहीं मरिया, वह कई कारण के लिए मरिया।
जशा नारियल फूटो वशा नी प्रभु यीशु रो बलिदान गयो ताकि आपा बच सका। जो खून प्रभु यीशु को निकलो वणी खून में अपना पापा की माफी करवा की ताकत है। तो वणा की मौत में ताकत ही और अट्टी खत्म नहीं वियो। प्रभु यीशु के मरवा के बाद वाका चेला वणा की लाश ने कबर में राखी, पण तीन दिन बाद प्रभु यीशु पाछा जिंदा वे गया और कबर मऊ बाने आ गया। वणा के बाद प्रभु यीशु अपने चेला के हमें प्रकट गया और बोलिया कि मारे बारे में जान पूरी दुनिया में होना। प्रभु यीशु अपना चेला ने क्यों कि एक दिन वह घनी ताकत और महिमा के लारे पाछा आएगा। वणा केड़े वे स्वर्ग पर आ गया और अबर तक वे स्वर्ग मा है राजा जशान। खाली प्रभु यीशु के पाछे चालवा हूँ वे अपने अपना पापा हूँ छुड़ा सके। मुँह और भगवत्यो प्रभु यीशु का चेला बनना छावा और वणा पे विश्वास करना छावा। गणो हाउ मारा छोरा। आखिर माँ मने छोटा चोर मिल ही गया। मुफलिया चोरी करवा वाते माने माफ कर दो। मु था दोई ने माफ करूं, ये नाम एक मुफलिया और ले लो। चालो आपा सब मिल प्रभु यीशु को धन्यवाद करा और खुशियां मनावा। एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना, एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला।